बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं अल खुबर में ये वाक़ पेश है। जो खुबर वाला इलाका है वो रियाद वाली साइड पर जा पड़ता है। तो बहरहाल एक शहर है, काफ़ी खूबसूरत है। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है आपके साथ कि ये जो आपने आज से मैं वीडियो भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वाली पिक्चर भी इनकम तौर पर दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो भी दिखाता हूँ मैं लाइव। आपने आज से चंद माह पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था जी कि जो दुबई में कुछ पाकिस्तानी था, साथ में दो बंदे और मिले, दो तीन बंदों ने, चार बंदों ने मिलकर वो एक बिल्ली की जान बचाई थी जो कि छत से कूदने वाली थी। उन लोगों ने नीचे कपड़ा किया, बिल्ली कपड़े के ऊपर कूदी और वो बच गई और वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। उसके ऊपर उनको भाई लाखों क्या करोड़ों रुपये के इनाम मिले पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से, ठीक है। अभी ये जो बंदा है इसको बचाने वालों को भी मेरे हिसाब से खुद से इनाम मिलना चाहिए। वैसे हम भी एक पिक्चर यहाँ पर आपको और दिखा दूँ, मैं ये बात भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। एक वीडियो मैंने आपके साथ ये शेयर की थी, हमने भी एक बकरी की जान बचाई थी, एक वादी के अंदर से निकाला था। उस टाइम मैं जजान से आगे सबिया यानी कि फीफा टॉप ऑफ दी फीफा जो पहाड़ों के ऊपर सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत गाँव है वहाँ पर मुकीम था। तो वहाँ वादी नीचे थी, वादी के नीचे शाम हो चुकी थी, हमने इस बकरी की जान बचाई थी। इसको बाहर निकालता था मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर, ये भी प्रेग्नेंट थी। और यकीन करें हमारे निकालने के चंद दिन बाद ही मैं दोबारा उस बंदे को मिला था। वो बकरियां चरवा रखा था वहाँ पर, वो गाल में मुझे सुडानी लगता था। उसने मुझे आवाज़ मारकर ये बकरी दिखाई थी और बोला था कि इसके उसके पीछे मैंने दो बच्चे देखे थे उसके, माशाल्लाह। लेकिन हमें उसके ऊपर भाई कुछ नहीं मिला था। बहरहाल अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर देता हूँ मैं। यह वीडियो देख रखे होंगे आप, एक बिल्डिंग में आग लगी और एक बंदा जो ऊपर से बिल्कुल कूदने की कोशिश कर रखा था, जाहिर सी बात अपनी जान बचाने की कोशिश कर रखा था, बिल्डिंग में तो आग लगी हुई थी। कुछ बंदे नीचे इकट्ठे हुए, बंदों ने मिलकर नीचे इकट्ठे होकर बाजू फैलाए, उसको बोला आ जाओ। उसने ऊपर से छलांग लगाई और बंदों के ऊपर ही जाहिर सी बात गिराया, हल्की फुल्की की चोट आई होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान से बच गया। अब भाई इसके ऊपर मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई दुबई में बिल्ली बचाता है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो हमको तो चलो नहीं मिले, वो तो अलग से बात है, लेकिन इन बंदों को जिन बंदों ने एक इंसान की जान बचाई है इनको इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। सऊदी अरबिया में का ये वाकया जी अल खुबर का।